हेलो दोस्तों, मैं सजीत कुमार सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के हमारे इस ऑनलाइन शेयरिंग सिस्टम में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक सीरियस मैटर पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, वो है जॉब। जी हां, जॉब जो कि हमारी रोजी रोटी का साधन है, हमारे घर के ट्रेन को चलाने वाला इंजन है। जी हां, इस जॉब पे आपके साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई है। ये जान के मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत सारे लोग हमारे बेरोजगार बैठे हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट को भी जॉब चली गई है और नए जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, और मिल भी रहा है तो उनके लायक नहीं मिल रहा है। और साथ में ऐसी खबर भी आई है कि बहुत सारे लोग जॉब के चक्कर में उनके साथ फ्रॉड भी हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है। तो मुझे इस चीज़ से बहुत दुख हुआ है, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ डिस्कस किया है कि जब आप जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो किन चीजों को ध्यान रखें, इसी पे आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेटिव चीजें आपको मिलेगी। अगर आप जॉब कर रहे हैं फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप कभी ना कभी जॉब चेंज करने का मूड बनाएंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा सुटेबल होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। तो चलिए लास्ट तक देखते हैं, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन दे रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जॉब पोर्टल्स कौन कौन से है। देखिए, एक तो रेफरेंसेस के जरिए जॉब लग जाता है, किसी ने बोला यार फलाने जगह पे जॉब लगी आ जाओ, तो वो तो बहुत ही सिक्योर जॉब होती है, वहां पे जाना चाहिए क्योंकि एक जानकार ने आपको बोला है तो जॉब वहां पे होगा ही होगा और ठीक ठाक ही होगा। दूसरा होता है ऑनलाइन जो जॉब पोर्टल्स हैं, कौन कौन से हैं? Naukri.com जो इंडिया में ज्यादा काम कर रहा है, Monster.com, उसके बाद आता है आपका Shine.com, उसके बाद आता है LinkedIn भी आता है, Indeed भी आता है। तो ऐसे बहुत सारे जॉब पोर्टल्स हैं। तो हम बात करते हैं Naukri.com, क्योंकि इंडिया में सबसे ज्यादा Naukri.com का ही क्रेज है। तो Naukri.com और साथ में हम LinkedIn को भी खोल लेते हैं। हम यहाँ पे Linkedin.com को खोल लिया, उसके बाद हम यहाँ पे Indeed.com भी है, Naukri.com। सबसे पहले Naukri.com का आपने सर्च किया, सबसे पहले ऊपर आपका रहा है एड, ये जो दिखा है एड दिखा है। हालांकि इसके क्लिक करेंगे तो गूगल का फायदा है, गूगल को पीपीसी मिल जाएगी। उसके बाद ये आपका डायरेक्ट लिंक है, आप ऊपर जरूर यूआरएल को जरूर देख ले, यहाँ पे Naukri.com लिखा होना चाहिए। बहुत सारे देखिए यहाँ पे फेसबुक का आ गया, इंदिर आ गया, देखिए इंदिर आ गया आपका, और भी बहुत सारे जॉब पोर्टल साइट आपको दिख रहा है, खुल रहा है। तो आप पहले देख लीजिए अपना URL क्या है। तो यहाँ पे URL था, हमने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट खुल रही है, इसको बंद कर देता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज के प्रोमो भी दिख रहे हैं, इसको छोड़िए। हम बात करते हैं कि मैं एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग देता हूँ, और ज्यादातर बच्चे एक्सेल पे जाते हैं, MIS पे जाते हैं, तो अब यहाँ पे MIS का सर्च करता हूँ जॉब। MIS जॉब सर्च करने से पहले यहाँ लोकेशन, अब यहाँ लोकेशन देना जरूरी है। अब जॉब सर्च कर रहे हो तो लोकेशन जरूर दीजिए, वरना क्या होगा कि ऑल ओवर इंडिया आ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली कर देता, अगर न्यू दिल्ली कर रहे हैं तो नोएडा, गुड़गांव सब आ जाता है, हमने सर्च किया। इसके अलावा और भी फिल्टर करना है, जैसे एक्सपीरियंस वगैरह करना है, तो एडवांस सर्च भी दाखिल कर सकते हैं। यहाँ पे सर्च पे हमने क्लिक किया, देखिए ये आपके जॉब पोर्टल साइट आ गया, यहाँ पे रिलेवेंट आ गया। आप चाहते हैं कि नहीं करेंट जॉब चाहिए हम, क्योंकि देखिए ये दो दिन पहले निकला है, ये एक दिन पहले निकला है, ये आज निकला है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है। पहले चीज ये देख लीजिए कि वैकेंसी वीकली कब है, या फिर हो सके तो आप शॉर्ट कर लीजिए डेट वाइज। दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्क प्रूफ। अब वर्क प्रूफ की कंपनी हो सकती है, अब इस कंपनी को आप, इस वर्क प्रूफ को आप जो है यहाँ पे देखिए लिखा है बैक ऑफिस, डेटा एंट्री, फ्रेशर्स, कंप्यूटर ऑपरेटर, हमारा सब कुछ मांग रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है कोई कंपनी नहीं है, या हो भी सकता है। तो यहाँ कंपनी प्रोफाइल है, प्लान फूड फैसिलिटी नहीं, ये तो कंपनी की प्रोफाइल है, नहीं।
आपको तेलंगाना कंपनी है, कंपनी प्रोफाइल तेलंगाना है तो मुझे लग रहा है कंपनी कंपनी नहीं है, एक कंसल्टेंट है, जॉब कंसल्टेंट है। मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूँ। गूगल पे सर्च करने पे workcrew.com मेरे पास आ गया। यहाँ workcrew.com आ गया, ये कंपनी है। workcrew जो है कंपनी है, लैपटॉप सपोर्ट हो गया, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सिस्टम एरर, सेटअप इंस्टॉल, सर्विसेज सपोर्ट होता है। इस तरह से आप ढूंढेंगे तो आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि कंपनी है या किसी कंसल्टेंट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंसल्टेंट पे जॉब अप्लाई नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी के मार्केट में क्या है कि किसी भी कंसल्टेंट को जॉब के लिए आप कहते हैं तो सबसे पहले आपको वो बोलेगा कि 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये आप एज ए रजिस्ट्रेशन चार्ज जमा करें, उसके बाद वो जॉब पे आपको भेजेगा। और रजिस्ट्रेशन चार्ज देने के बाद इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिलेगा, या जॉब मिल भी सकता है, क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी होते हैं और कुछ बुरे लोग भी होते हैं। जैसे यहाँ देखिए, फ्रीलांसर भानुप्रिया मेघावाल, उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इंफोटेक है, लेब्स स्पीच इंफोटेक है, ये सब एक ही कंपनी के बहुत सारे यहाँ पे निकला हुआ है। तो इस देखिए वर्क फ्रॉम होम, डेटा एंड कस्टमर ऑपरेटर, एमआईएस, तो इस तरह की जो वैकेंसी निकालते हैं कि एक ही कंपनी बहुत सारे वैकेंसी निकालती है, तो थोड़ी सी डाउट मन में जरूर रखिए कि एक कंपनी वर्क फ्रॉम होम भी दे रही है, डेटा एंट्री भी दे रही है, कंप्यूटर ऑपरेटर, एमआईएस सब दे रही है, और फिर भी क्या है, मेला लगाएगा जॉब का? तो दिमाग में इस तरह का एक बार अपने हिसाब से जरूर देखिए क्या है। ये आपका DWM का है, बैक ऑफिस की भी, अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना सा MIS एंड बैक ऑफिस की निकला हुआ है। अब इस पे मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ मुझे जॉब से रिलेटेड चीजें मिल जाएगी, और यहाँ आपका मिल जाता है जॉब से रिलेटेड एक्सपीरियंस, ये आपका दिख रहा है, ब्रिलियंस, या जॉब कब निकला है। तो पहले तो आपने चेक करो डेट, जॉब सर्च करते समय पहले क्या चेक करना है, डेट को चेक करना है कि जॉब वैकेंसी कब निकली है। दूसरा क्या चेक करना है कि एक कोई कंसल्टेंट तो नहीं, कंसल्टेंट है तो कैसा कंसल्टेंट है, उसके बारे में आप गूगल पे अलग अलग जॉब अलग अलग चीजों पे सर्च कीजिए। तो इससे रिलेटेड अगर कोई फ्रॉड होगा या कुछ ऐसा होगा तो लोगों ने कमेंट किया होगा फेसबुक और बाकी चीजों पे जाकर, तो उसको एक बार चेक कर लेना। तीसरा चीज चेक करना है, चेक करना है कि कितने लोगों ने अभी तक अप्लाई किया हुआ है। अब देखिए इसको 544 लोगों ने अप्लाई किया होगा सबसे पहले, मतलब कि वीर हो जाएगी, वीर हो जाएगी तो कंपटीशन हो जाएगा, समझ गए ना कंपनी। अब मैं नहीं बोल रहा कि आपको जा रहा है, लेकिन ऐसे प्रोफाइल पे जाए जहां कम लोग अप्लाई किए तो सब बेटर रहेगा। तो जहां ऑलरेडी 2,000, 5,000, 10,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है, तो उसमें अगर आपकी प्रोफाइल एकदम स्ट्रांग है तो आपकी चांस मिल सकती है। आपका प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है तो हो सकता है चांस ना मिले। दूसरी चीजें, तीन चीजें हो गई, किसी चौथी चीज क्या है कि आप अपने जॉब डिस्क्राइब को देख लो कि कंपनी क्या क्या मांग रही है। होता है क्या कि इंटरव्यू में गए पता चला कि आपको एसक्यूएल भी आना चाहिए और एसक्यूएल आता नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया। खामा खा अपना टाइम और एनर्जी और पैसा आपने वेस्ट किया, उससे पहले आपने देख लिया कि यहाँ पे अगर क्या जो चीजें मांग रही है वो यहाँ पे है या नहीं है। अगर है देन अब जाए, अगर नहीं है जैसे टैली यहाँ पे मांग रहा है, टैली ऑपरेशन एंड वाउचर मूवी, अब आपको नहीं आता है तो जाने से पहले टैली के ऊपर थोड़ी सी यूट्यूब वीडियो देख ले, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, तो एटलीस्ट आप जाएंगे तो बोल सकते आई हैव अ लिटिल नॉलेज ऑफ द टैली। आप उनसे बात करके बोल सकते हैं टैली की थोड़ी सी बहुत नॉलेज है, तो सामने वाला बंदा बदल जाएगा कि हाँ नॉलेज है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है कि गुड नॉलेज एमएस ऑफिस की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए, एक्सप्लेन टाइपिंग स्किल्स होना चाहिए और नेट टैली की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप जो है एक बार इस तरह से चेक करें।
उसके बाद जाए। और पांचवी चीज कि आप यहां से जॉब या रजिस्ट्रेशन अप्लाई है, इससे अप्लाई करो, लेकिन इससे अच्छा होगा कि आप चेक करो कि कंपनी का कहीं पे कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट ईमेल तो नहीं। दूसरी चीज देखिए, यहाँ पे कंपनी है, इस कंपनी को आप कॉपी करके और यहाँ देखिए शो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ रहा है ना, इसमें इसका नंबर नहीं दिया हुआ है, रिक्रूटर का यहाँ दिया हुआ है, यहाँ ये आपका ईमेल आईडी दिया हुआ है, डायरेक्टली इसी ईमेल पे आप जो है अपनी सीवी भेजे, और सीवी भेजते समय इम्पोर्टेंट को मार्क कर दे। जी हाँ, सीवी भेजते समय इम्पोर्टेंट मार्क कर दे ताकि आपकी मेल स्पैम में ना जाए, आपकी मेल इनबॉक्स में ही आए, ये जरूर दीजिएगा। और ये मिस्टर ललित राणा है तो मेल लिखते समय डियर मिस्टर ललित राणा जरूर दे ताकि उसको लगे कि हाँ मुझे डायरेक्टली मेल किया गया। एक प्रोफेशनल मेल करें, हम आगे एक वीडियो बनाएंगे जिसे बताएंगे कि कैसे आप अपने रिज्यूम के प्रोफेशनली मेल के जरिए भेजेंगे उजाने। तो आपने पांच चीजें पढ़ा, पहली चीज ये आप पोर्टल सही पोर्टल को चूज करें, और एक पोर्टल नहीं कई सारे पोर्टल्स पे आप जॉब अप्लाई करने की कोशिश करें। दूसरी चीज, जॉब सर्च करते समय ध्यान रखें कि जॉब लेटेस्ट होना चाहिए, ज्यादा लंबा गैप होगा तो ऑलरेडी एनरोल कर चुके होंगे। तीसरा चीज, आप जॉब अप्लाई कर उसमें देखे जो कंसल्टेंट तो नहीं है, कंसल्टेंट है तो उसका रेपुटेशन क्या है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन वगैरह सोशल मीडिया में तो नहीं, एक बार उसको गूगल पे सर्च करके एनालाइज करो ताकि आप इंटरव्यू में कुछ पैसा वगैरह देने से बच जाए। चौथी चीज, आप चेक करें कि इसको अप्लाई बहुत सारे लोगों को नहीं किया है, और कंडीशन अपने जॉब डिस्क्राइब को देख लें और उसके अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करें, देन जाए। और पांचवी चीज, आप डायरेक्ट उनको मेल करने या कॉल करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियोज में हम और भी जॉब्स रिलेटेड अपडेट लेके आएंगे। अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो मुझे अपनी सीवी मेल कर सकते हैं kumar@iptindia.com पे। मेरे पास बहुत सारे रेफरेंसेज आते हैं, मैं आपकी वैकेंसीज को, आपकी जो जॉब और रिज्यूम्स हैं उस रिज्यूम को मैं उनको फॉरवर्ड कर दूंगा। लेकिन प्रिपरेशन जरूर रखिएगा, आजकल किसी भी ऑफिस वर्क के लिए एक्सेल की बहुत जरूरत है, तो एक्सेल जरूर सीखिएगा। मेरे चैनल पे 5000 से ऊपर वीडियोज अपलोडेड है जो कि एक्सेल से रिलेटेड है, उसको एक बार जरूर देखिएगा। और साथ में ही अगर आपको सीखना है मेरे साथ, सीख सकते हैं, मेरा नंबर ऊपर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 8802579388, या मेरा वेबसाइट www.iptindia.com को विजिट करें। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।